हर एक बच्चा वहाँ पे लाइब्रेरी में बैठ करके डर रहा है, क्यों? क्योंकि कल यहाँ पे बैठ करके लाठियां खा के उनके माँ बाप बोलते हैं, बेटा तू जॉब तो नहीं लगेगा, कम से कम हमारी आंखों के सामने तो रहेगा ना, इसलिए वो दर्द के मारे अपने घर से नहीं निकल। हर बच्चा तरह से ना वो आना चाहता है, लेकिन उसके माँ बाप बोलते हैं, बेटा सरकार तो इतनी घटिया है ना, वो तेरे को रोजगार नहीं देगी, लेकिन कम से कम तू यहाँ रहे, हमारी आंखों के सामने तू बेरोजगारी से जिंदा तो रहेगा। अभी अलवर का मामला था, एक बच्चा रीट के एग्जाम देके गया था, उसने मैम वो थक गया था इस सिस्टम से, जाकर के उसने पॉइजन लिया और वो मर गया। एक लड़की ने सुसाइड किया। हर जगह पे ये हो रहा है, ये सरकार फिर भी बोलती कि पेपर लीक नहीं हुआ। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो इन लोगों को निलंबित क्यों किया जा रहा है? और ये निलंबन भी दिखावटी है, यहाँ से जिनको निलंबन किया उनको बीकानेर लगाया गया, ये इन्हीं के अधिकारी हैं, कहीं नहीं, इनको 10 दिन बाद में वापस बुला लिया जाएगा और इनको छोड़ दिया जाएगा। काफी उपेन्द्र यादव जी के द्वारा इनके नाम बताए गए थे, लेकिन कोई भी इनको लेकर के मुद्दा नहीं उठाएगा। मैम मीडिया से रिक्वेस्ट है, मीडिया भी कहीं ना कहीं आप बुरा मत मानिएगा, हम जब एसआई को रद्द करवाने के लिए मीडिया के आगे इतने हाथ पैर जोड़े, मीडिया सामने नहीं आया, क्योंकि इनको सरकार से लगता है ना कि जाना चाहिए तो ही ये लोग निकल करके सामने आते हैं। मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, अगर ये जागरूक हो गया ना तो इनकी कोई औकात नहीं कि किसी से लड़ सके। बहुत बढ़िया।